हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में जो मेरे FY के स्टूडेंट हैं, SY के स्टूडेंट, जो मेरे खुद के क्लास के हैं और जो मेरे यूट्यूब पे भी है, आज उन लोगों के लिए वीडियो जो FY BCOM SY BCOM FY BA SY BA के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मुंबई यूनिवर्सिटी ने कुछ अपडेट लाया है। तो फ्रेंड, हम वो अपडेट मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पर जाके देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी फ्रेंड लोगों को रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। और फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मुंबई यूनिवर्सिटी के हेलो फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग, मेरे ठीक है, मेरा नाम सूरज पटेल है। जो न्यू सब्सक्राइबर है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो इस पे अपलोड करूंगा फ्रेंड, आप लोगों तक आ जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे और देखते हैं कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए क्या अपडेट लेके आया है। तो चलते हैं हम फ्रेंड मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे और देखते हैं कि क्या अपडेट आया है। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे और इधर हम देखते हैं कि जो मैं SY BCOM FY BCOM FY BA SY BA के बच्चों के लिए बोल रहा था कि कुछ अपडेट आया हुआ है, तो क्या अपडेट आया हुआ है हम देखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए अपडेट आया हुआ है कि एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ फॉर ऑल एंड रिपीटर स्टूडेंट। तो क्लिक करके देखते हैं अंदर क्या है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है एक्सटेंड डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन अक्टूबर नवंबर। फ्रेंड्स, आप लोगों का जो ऑनलाइन सबमिशन था, ठीक है, जो रिपीटर बच्चे हैं उन लोगों को एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। वो क्या डेट है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। फीस ऑनली रिपीटर, ठीक है, एंड ऑल स्टूडेंट FY BA FY BCOM SY BA और SY BCOM। तो चलिए, मुंबई यूनिवर्सिटी ने क्या नोटिस दिया है हम देखते हैं फ्रेंड्स अंदर। तो जैसे कि मैं आ गया मुंबई यूनिवर्सिटी के मेन साइट से, जो उन्होंने अपडेट दिया हुआ है, तो हम अपडेट देख लेते हैं कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने क्या आप लोगों के लिए अपडेट दिया हुआ है। जैसे कि ये ऑनलाइन प्रोसेसर है गाइस, आप लोगों को ये जो प्रोसेस करना है, ये कैसे करना है, ऑनलाइन प्रोसेस करना है। और ये किन लोगों के लिए, FY BA FY BCOM SY BA एंड SY BCOM के बच्चों के लिए ये अपडेट आया हुआ है। और इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट क्या, जो एक्सटेंड किया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी ने, वो 21 अगस्त से लेके 27 अगस्त तक है। फ्रेंड, आपको इसके बीच में आपको अपना एडमिशन करवाना होगा। और फी कितना, आप सेकेंड क्वेश्चन है कि आपका फ़ी कितना है। तो फी अगर एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो, जिनको केटी लग जाती है, खासकर उन लोगों के लिए, वही रिपीटर बच्चे होते हैं, ठीक है, तो अभी के और ओल्ड जो पुराने हैं वो बच्चों के लिए भी ये रूल है, एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो तो आपको देना है 375। अगर आपको दो सब्जेक्ट में केटी लगी है, दो सब्जेक्ट में फेल हो, तो आपको देना है 585। अगर फ्रेंड आप तीन सब्जेक्ट में फेल हो तो आपको फी भरना है 1110। गाइस, आप लोगों को मैंने बता दिया है कि उसका डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट के ऊपर कितना फीस यूनिवर्सिटी चार्ज कर रहा है, 1 2 3। तो फ्रेंड, अब आगे देख लेते हैं कि आगे भी मुंबई यूनिवर्सिटी ने कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, तो नोटिस भी हम देख लेते नीचे जाके कि क्या नोटिस है। तो फ्रेंड, इधर आ गया नीचे, ठीक है, इधर लिखा हुआ है FY, ऊपर भी कुछ नोटिस दिया हुआ है, लेकिन मेरे को ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, इधर तो लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म आपको भरना है, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है स्कैन करके, ठीक है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना है। देन उसके बाद FY BA और FY BCOM के बच्चों के लिए बोल रहा है, स्टूडेंट शुड स्कैन एंड अपलोड फर्स्ट मार्कशीट एंड फर्स्ट ईयर, इन केस मोर देन वन अटेंड द फर्स्ट एंड लास्ट मार्कशीट शुड बी अपलोड। मतलब कि फ्रेंड, अगर आपने एक बार एग्जाम दिया हुआ है तो आप अपना मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, लेकिन आपने पहले भी दिया हुआ है, अटेंड ज़्यादा दिया है, एक से ज़्यादा दिया हुआ है, तो आप फर्स्ट पहले का जो मार्कशीट है और जो आपका लास्ट मार्कशीट, दोनों को अपलोड करना है। सेम प्रोसीजर ये FY BCOM और SY BA के लिए भी उन्होंने यही बोला है कि फर्स्ट एंड अटेम्प्ट मोर देन वन अटेम्प्ट, तो लास्ट आपको अपलोड करना है। द स्टूडेंट शुड बी स्कैन एंड फर्स्ट मार्कशीट एंड सेकेंड मार्कशीट इन द केस ऑफ मोर दे अटेम्प्ट फर्स्ट एंड लास्ट मार्कशीट, वही बोला हुआ फ्रेंड। और इधर देख लेते हैं, अगर हमें पेमेंट करना है तो ऑनलाइन पेमेंट हम किससे करेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के लिए भी आपको सर्विस दिया हुआ है कि आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। और ऑन द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस नो नीड टू सबमिट द कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म अवेलेबल,
ठीक है, आपको कोई ऐसा सबमिशन नहीं देना है। एंड स्टूडेंट शुड बी फाइल द एग्जामिनेशन फॉर्म द पर्सनली ही सीज द ऑल द डिटेल्स ऑफ द करेक्टली इन टेकिंग द प्रिंट आउट। अच्छा, आप जो भी भर रहे हो उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो। और आप लोगों को स्टूडेंट अगर सिलेबस चेक करना है तो आपको वेबसाइट पे जाके आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हो। हाँ, स्टूडेंट इज रिक्वायर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बिफोर द फाइलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, इधर फ्रेंड्स और भी इन्फॉर्मेशन दिए, अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर देना कि सर हमें आपका पीडीएफ चाहिए, आपका व्हाट्सअप नंबर दे देना, मैं आपके व्हाट्सअप नंबर पे इसको सेंड कर दूंगा। और ये नोटिस फ्रेंड अपडेट हुई थी मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे 20 अगस्त को, और जो इन प्रोफेसर ने, जो डायरेक्टर थे मुंबई यूनिवर्सिटी के, उन्होंने किया हुआ है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर उसके बावजूद भी कुछ डाउट है तो फ्रेंड मुझे कमेंट कीजिए। और जैसे कि मैंने बता चुका हूँ, और भी कुछ अपडेट आता है बीए, बीकॉम, एमकॉम, मैं बीएससी, आईटी, मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो प्लीज़ फ्रेंड आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने बोल दीजिए, और आप भी सब्सक्राइब करके रखिए। तो थैंक यू सो मच गाइज, फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।